अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं बनाने वाली हूँ छोले भटूरा। तो उसके लिए मैं छोले को 6 घंटा आगे भिगो के रख चुकी थी। अब इसको बॉईल करना है, तो मैं कुकर में ऐड कर दे रही हूँ छोले को। अब इसमें पानी ऐड करना है, तो जो कटोरी से मैंने छोले ऐड की थी उसी कटोरी से पानी ऐड करी। और खड़े मसाले में 1 तेज़पत्ता, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची और 4 लौंग, इसको भी मैं पानी में ऐड कर दूँगी। 1/2 चम्मच नमक, थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, तीखा वाला है ये, 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल। प्रेशर कुकर में 2 सीटी लगा लेना, 1 हाई फ्लेम में 1 लो फ्लेम में। 500 ग्राम मैदा ली, उसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड की हूँ। थोड़ा सा बेकिंग पाउडर, क्योंकि बेकिंग पाउडर डालने से आपका भटूरा फूला फूला बनता है। 1/2 चम्मच अजवाइन, क्योंकि मैदा जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता, इसीलिए आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हो। 100 ग्राम दही। ये सब डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब बहुत ही नरम डो बनाना है, और ज़्यादा हार्ड डो भी ना हो जाए, ज़्यादा नरम भी ना हो जाए, मीडियम। जो कटोरी से मैं दही डाली थी वही कटोरी से 2 कटोरी पानी ऐड कर रही हूँ, और इसको मतलब ज़्यादा मालिश नहीं करना है, बस लाइटली आप इसको गून लीजिए। और गूनने के बाद रिफाइंड ऑयल लगा के इसको 20 से 22 बार पटकना है। ऐसा करने से ये होगा कि जब आप भटूरा बेलोगे तो ये मतलब छोटा नहीं होता है, बेलते वक्त छोटा हो जाता है ना, तो ये छोटा नहीं होगा। आप जो आकार में बेलोगे वही आकार में रहेगा। अब इसमें रिफाइंड ऑयल लगा के इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देती हूँ। अब छोले का मसाला बताती हूँ क्या क्या चाहिए। 2 मीडियम साइज के प्याज, 2 मीडियम साइज के टमाटर, 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, तीखा वाला है, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच भर के धनिया पाउडर, और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। और एक बात, छोले में भी नमक है तो याद रखना, ज़्यादा नमक ना हो जाए, टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना। अब मैं सरसों का तेल कढ़ाई में डाल देती हूँ, ऑयल गर्म हो चुका है। अब इसमें ज़ीरा डाल देंगे, ज़ीरा तड़क जाए तो इसमें ऑनियन ऐड करना है। तो इसको ऑनियन को चलाते हुए पकाना है जब तक प्याज का कलर चेंज नहीं हो जाए। तो प्याज का कलर चेंज हो चुका है, अब इसमें मैं डालूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच भर के, और अदरक लहसुन को भी तब तक पकाए जब तक इसका कच्चा स्मेल ख़त्म ना हो जाए। अब इसमें जो मैं मसाला निकाली थी वो ऐड कर देती हूँ, और इसको भी थोड़ा सा चलाने के बाद इसमें टमाटर ऐड करेंगे। तो इसको लो फ्लेम में पकाना है, ज़्यादा हाई फ्लेम में नहीं पकाना है। और टमाटर में पानी डालने का ज़रूरत नहीं, क्योंकि टमाटर पानी खुद छोड़ता है, तो उसी में ये गल जाएगा। तो देखिए गैस का फ्लेम लो है, और देखिए कितना अच्छा से ऑयल ऊपर छोड़ चुका है। अब इसमें 1 चम्मच में गरम मसाला ऐड कर रही हूँ, और इसको भी अच्छे से चला के पका लूँगी। अब इसमें जो छोले बॉईल करके रखा था वो ऐड कर देती हूँ, और उससे जितना खड़ा मसाला था सब निकाल दी हूँ मैं। इसको ढक के 10 मिनट पकाएँगे लो फ्लेम में। तो 10 मिनट हो चुका है, तो देखिए छोले कितने अच्छे से पक के रेडी हो चुका है। और इससे थोड़ा सा छोले निकाल के मैं मैश करके इसमें ऐड करूँगी, उससे ग्रेवी गाढ़ा हो जाएगा उसका वजह से। और इसमें मैं पानी ऐड कर चुकी थी, उस वक्त कैमरा ऑफ हो चुका था, तो आप अपने ग्रेवी के अकॉर्डिंग पानी ऐड कीजिएगा। अब मैं इसमें मेथी ऐड कर रही हूँ क्रश करके, और इसको चला के पका लेंगे। तो देखिए छोले हमारा एकदम परफेक्ट रेडी हो चुका है बनके। अब इसमें धनिया पत्ता ऐड कर देती हूँ, तो हमारा छोले रेडी हो चुका है। अब इसको चलाकर गैस बंद कर देती हूँ, ढक्कन बंद करके। अब भटूरा बेल लेती हूँ। तो आपको जो आकार में भटूरा बेलना है आप उस आकार में बेल सकते हो। फ़िलहाल मैं यहाँ पर ही मतलब लंबे आकार में बेल रही हूँ। और जब आप भटूरा ऑयल में डालें तो ऑयल एकदम गर्म होना चाहिए। तो देखिए हमारा कितना अच्छा से फूला फूला भटूरा पक रहा है। और ऑयल को इसके ऊपर से ऐसे ही करना, ऐसे करने से क्या होगा, भटूरा फूलेगा और दोनों तरफ से पक जाएगा। तो ऐसे ही करके मैं सारा भटूरा बना लेती हूँ। आखिर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड को शेयर कीजिए। और हाँ, सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाना ना भूले, इससे आपको मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहेगी। अल्लाह हाफिज़।